हमारा अगला ऑफिशियल कंपाउंड है इथिलीन डायामाइन हाइड्रेट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4NH2 twice। ओके, इथिलीन डायामाइन डाइहाइड्रेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 60.09 ग्राम पर मोल। प्रिपरेशन, इसको बनाने का जो प्रोसीजर है वो इस तरह से, इसको इंडस्ट्रियली जो बनाया जाता है वो है 1,2-dichloroethane और अमोनिया की रिएक्शन करकर। इस रिएक्शन होने के लिए प्रेशर और हीट जरूरी है, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए, और मीडियम एक्वेशन है, वाटर में ही इसका पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है, कोई ऐसे स्पेशल सॉल्वेंट की जरूरत नहीं। इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जनरेट होता है, जो कि साल्ट बनाता है अमाइन के साथ, और अमाइन इज अ लिबरेटेड बाय, अमाइन को लिबरेट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन करके, और उसके बाद रिकवर्ड किया जाता है उसको रेक्टिफिकेशन के। तो डाइथाइलिन ट्राई अमाइन एंड ट्राइथिलीन टेट्रा अमाइन आर फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, डेटा और टेटा ये एज अ बाय प्रोडक्ट में बनते हैं। और दूसरा एक इसका रूट है जिसके द्वारा इथिलीन डायामाइन बनाया जाता है, जो कि है इथेनोलामाइन और अमोनिया के रिएक्शन द्वारा। इस प्रोसेस के अंदर गैसियस रिएक्टेंट्स बनाए जाते हैं, ओके, और उसको पास किया जाता है निकेल हिटेरोजीनियस कैटेलिस्ट, निकेल के बेड़ के ऊपर से उसको पास किया जाता है उस गैसियस रिएक्टेंट को। तो हमें कलरलेस लिक्विड विथ एन अमोनिया लाइक ऑडर इज स्ट्रांगली बेसिक, ये इसमें यूज होता है। उसके बाद हमें मिल जाता है इथिलीन डायामाइन। इसके ऐसे के लिए इसको सिंपली टाइट्रेट किया जाता है 0.1 मोलर HCl के साथ, और ब्रोमोफिनॉल ब्लू इसका इंडिकेटर उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है टाइट्रेशन में वो है डायहाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूजेस, एंड इसको यूज किया जाता है, डाइथिलामाइन इज अ स्टैंडर्डाइज्ड केमिकल एलर्जन, केमिकल एलर्जिक ड्रग है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथिलीन डायामाइन इज बाय मींस ऑफ इंक्रीज्ड हिस्टामाइन रिलीज, एसिड डिसीज जिसमें हिस्टामाइन का रिलीज जरूरी है बढ़ाना उसमें, या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यहाँ हमने स्टडी किया इथिलीन डायामाइन डायहाइड्रेट,